नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष वाजपेयी। एक विचार हम सबको साहस देता है, एक विचार हम सबको संबल देता है, एक विचार ही तो है जो कि समाज में क्रांति पैदा करता है, एक विचार ही तो है जो कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जा रहा है। जी हाँ, और आज अपने इस खास कार्यक्रम में जिस विचार, जिस मंत्र की हम बात करने वाले हैं, वो विचार है जल संरक्षण का। और इस विचार से पूरा देश उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जुड़ा हुआ है। वजह ये है कि जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पर भी ये विचार काम कर रहा है, और जहाँ पर जल की कमी हो सकती है भविष्य में वहाँ पर भी ये विचार काम कर रहा है। और इसीलिए अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जल संरक्षण की। एक प्रयास संभव को असंभव कर देता है। एक प्रयास जीवन में उमंग और उल्लास भर देता है। एक प्रयास रेगिस्तान को हरे भरे उपवन में परिवर्तित कर सकता है। एक प्रयास ही है जो जल संकट से भरे हुए सौराष्ट्र को आज जल संपदा से परिपूर्ण कर रहा है। किसान का सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है, वो आता था पानी। अगर सौराष्ट्र का किसानों को पानी मिल जाए तो सौराष्ट्र का किसानों में इतनी ताकत है कि मेरे देश की जो भी आबादी है सबका वो पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर सकते, इतनी ताकत से वो काम कर सकते। इससे सबसे जरूरियात वो चीज थी, वो भी पानी। हमने गवर्नमेंट को भी बहुत बार उसकी रजूआत भी की, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से काम करना चाहिए इस हिसाब से नहीं हो रहा है। और दिन दिन प्रतिदिन जिस पानी ऊपर जो 10-15 फीट में था वो पानी अब गहरा चला गया है, जो 1,000-2,000-3,000 फुट से किसान लोग निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है, पानी भी खराब आता है, ज्यादा टीडीएस आता है, गर्म आता है, छार आता है, और वो निकालने भी किसानों को भी बहुत खर्चा लगता है। एक व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्तियों का समूह और समूह से बनी संस्था, ये कहानी अभी कुछ सालों पहले की है, जहां पर सौराष्ट्र में एक तरीके से कह सकते हैं जल का संकट बहुत ज्यादा था। जो संसाधनहीन थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने खेतों को पानी दे सकें या कोई उपाय कर सकें। और कहते हैं ना कि अभाव में ही आविष्कार का पदार्पण होता है, या अभाव आविष्कार की जननी है। कुछ ऐसा ही दिखा हमें सौराष्ट्र के राजकोट में, जहां पर अब पानी अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी भी है, और इसके पीछे एक अथक मेहनत भी है, और इसके पीछे व्यक्तियों का जो स्वयं सेवा का भाव है वो भी सामने आता है। और जब व्यक्ति और समाज सब पूरा साथ में जुड़ता है तो फिर क्या क्रांति आती है, क्या परिवर्तन आता है, ये सब कुछ हमें दिखा सौराष्ट्र के राजकोट में। ये कहानी है गिर गंगा परिवार की, जिसका कृतित्व आज एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ये कहानी है एक समूह की, जिसके अथक परिश्रम के बाद आज समाज भी जुड़ रहा है और सरकार भी। ये प्रयास एक भारत को श्रेष्ठ भारत में बदलने का अभिनव प्रयास है। हमारा एक एनजीओ है जो गाय का काम कर रहा है, उसका नाम है गिर गंगा परिवार। हमने एक पसी एक किसान को जुड़ा, उद्योगपति को जुड़ा, और हमने एक परिवार बनाया, गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। वो एक हमारा एनजीओ का एक सूत्र हमने बनाया है कि पानी की हर एक बूंद कीमती है, क्योंकि वो दर एक बूंद में एक जिंदगी है। Thank you.
ये डैम में पहले पानी पूरा नीचे से निकल जाता था, टूटा हुआ था, ये आज रिपेयर किया, कितना पानी आज समझो कि जनवरी महीने में इतना पानी आ रहा है, तो हम ये पानी का एक एक बूंद किस तरह से यूज करेंगे, और खेत वाले से खेत में इसका यूज होने से हमारा पशु पक्षी जीव जंतु और मानव जात को खूब बड़ा फायदा होता है, और आत्मा जहाँ हमारा पानी गिरता है वहीं हम पानी खुद यूज करेंगे, मतलब हमारा जितना इलाका है वहीं हम पानी यूज करेंगे, तो आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वच्छ शीतल निर्मल जल, एक ऐसा जीवन दायिनी जल जिसमें TDS की मात्रा भी बहुत कम है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है और हमारी फसलों के भी सर्वोत्तम कहा जा सकता है। वाकई बहुत सुखद अनुभूति है। जल की महिमा का वर्णन ऋग्वेद से लेकर आज तक हो रहा है। दुनिया में हर किसी के बगैर काम चल सकता है, भोजन के बगैर काम चल सकता है, लेकिन जल के बगैर काम नहीं चल सकता है। और जब वाकई जब मैंने इस जल को हाथ लगाया तो मेरे मन से कुछ ऐसे ही उद्गार फूट पड़े। एक जमाना था, जरा सोचिए तो सही, प्राचीन काल में, या हम अपने बचपन की बात कर ले, थोड़े और सालों पहले बात कर ले, घर के बाहर एक कुआं और कुएं के ऊपर एक बाल्टी, और बाल्टी से हमने कुएं में डाला और हमने पानी को खींचा, एक बाल्टी में लोटा डाला और हमने नहाया, जरूरत भर का पानी लिया और उस जरूरत में हमारी जरूरत पूरी हो गई। लेकिन वक्त बदला, धीरे धीरे करके हैंडपंप का टाइम आया, यानी कि सुविधा मिल गई, तो हमने एक बाल्टी के बजाय हमने दो या तीन बाल्टियों से नहाना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा हमने देखा तो पंपिंग सेट्स आ गए जिसमें कि पानी और खींचा जाने लगा, चाहे वो खेती को लेकर हो, चाहे वो अन्य कार्यों को लेकर हो। लेकिन धीरे धीरे करते मनुष्य की जो एक लालची प्रवृत्ति कह सकते हैं, घरों घरों में समर्सिबल लग गए, और उसका हाल ये हुआ कि हमने एक साथ न जाने कितने भूगर्भ जल का दोहन कर लिया। ये उपयोग नहीं कहेंगे हम, इसको दुरुपयोग बोलेंगे। और जब हमने उसका दोहन कर लिया तो भूगर्भ का जल का स्तर जो है वो नीचे जाने लगा, लेकिन हमने भूगर्भ के जल को मेंटेन करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब यहां पर गुजरात के सौराष्ट्र में हम जो चीज देख रहे हैं, वाकई मुझे न केवल प्रसन्नता हो रही है बल्कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर ऐसे ही प्रयोग पूरे देश भर में किए जाएं, गांव गांव में किए जाएं, जहां पर पानी आज मौजूद है लेकिन बावजूद इसके जल संरक्षण के उपाय किए जाएं, तो आगे आने वाले दिन में अगर जल है तो कल है, जल नहीं है तो कल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को न केवल जल बचाना है बल्कि जो हम दोहन कर रहे हैं उस दोहन की प्रवृत्ति को, उस स्वार्थ की प्रवृत्ति को, उस लालच की प्रवृत्ति को हमें दूर करना होगा, और यही जल संरक्षण का नियम भी है, और इसी मंत्र से पूरा का पूरा देश आच्छादित है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिंचाई के लिए यहाँ पर पंप लगा है, और दिखाने का मकसद बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये जो पानी आप देख रहे हैं ये कुआं है, और ये वहां मात्र 8 या 10 फीट गहरा है, लेकिन इस कुएं में पानी इसलिए है क्योंकि पास में एक डैम बना हुआ है, और डैम बने होने की वजह से यहां पर पानी आ रहा है, और इस पंपिंग सेट से आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर पानी जा रहा है और खेतों में सिंचाई हो रही है। चेक डैम, छोटी मोटी खेत तलावड़ी, वो चेक डैम किस तरह से किया जाए, उस परिवार सब लोगों को इकट्ठा करके हमने तालाब का काम शुरू किया। पहले 100% लोग भागीदारी से हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को मिलते रहते हैं, लोगों को जुड़ते रहते हैं, पानी का महत्व समझाते हैं, और इसके अंदर लोगों का आर्थिक सहयोग मिले, इस तरह से हमने गाँव के सभी गांव में मिलकर, हमारे पास बहुत सारे डैम का लिस्ट है, वर्षों साल पहले जो सरकार ने बनाए हुए, इसमें से बहुत सारे डैम कोई टूटे हुए हैं, किसी में मट्टी भर गई है, किसी की ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ऐसा लोकेशन है कि जहां नया भी बन सकते हैं। ये जो छोटा सा जल प्रपात आपको इस वक्त दिख रहा है हमारे बैकग्राउंड में, हमारे पीछे, आप जरूर ये सोच के हर्षित हो सकते हैं कि यहाँ तो पानी ही पानी है, लेकिन माफ करिएगा, यहाँ पे कुछ सालों से पहले तक
पानी का बहुत संकट हुआ करता था। वैसे जब हम गुजरात का जिक्र करें तो गुजरात को माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त है, तापी का आशीर्वाद प्राप्त है और ये ऐसी नदियाँ गुजरात को कम से कम जल संसाधन के लिए समृद्ध करती हैं। लेकिन जब हम सौराष्ट्र की तरफ देखते हैं तो सौराष्ट्र में ये चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं। छोटी मोटी ऐसी तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ की नदियों में जल नहीं है। बारिश के दिनों में मानसून के समय जल आता है लेकिन उसके बाद में वो जल बह जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पीछे आप ये पूरा का पूरा हम दिखाना चाहेंगे, ये जो पूरा पीछे हमारे ये चेक डैम जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 400 फीट का ये चेक डैम है और ऐसा चेक डैम यहाँ पर कई बने हुए हैं जिनमें स्वयंसेवी संगठनों का या यूं कह सकते हैं कि लोगों के समूहों का योगदान बहुत बड़ा है। और उसके बाद में ये अच्छी सुखद जो परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं वो बन रही हैं। राजकोट कालाबड़ रोड के समीप बना ये चेक डैम अपने आप में एक सुखद कहानी कहता है और ख़ास तौर पर जल संरक्षण की एक सुखद कहानी कहता है। और इस चेक डैम का जो नामकरण किया गया, जो नाम रखा गया, वो माननीय पंत प्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मां के नाम पे हीराबा स्मृति सरोवर ये नाम दिया गया। हमने नरेंद्र मोदी अपने वड़ाप्रधान की उसकी मातृशिका नाम का एक हीराबा सरोवर भी बनाया है और वो सरोवर के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम अपने वडिलों का स्वजनों की याद में कहीं ना कहीं डैम बनाए। हमारी संस्था के पास बहुत ऐसे डैमों की याद ही है। आमतौर पर जो चीज हमारे पास प्रचुरता में होती है हमें उसका ख्याल ही नहीं रहता है। चारों तरफ वायु बह रही है, शीतल मंद बयार बह रही है तो हमें इसकी अशुद्धता या शुद्धता का ज्ञान ही नहीं रहता है। यानी कि हम सोचते ही नहीं कि जीवनदानी वायु अगर ना हो तो शायद हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा या हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर भी हम वायु प्रदूषण को लेकर सोचते ही नहीं है, प्रदूषित हो रही वायु लेकिन उसको लेकर हम ख्याल नहीं करते हैं जबकि करना चाहिए। ठीक यही कहानी जल को लेकर भी है। एक जमाना था जब नदियों और सरोवरों का जल हम यूं ही उंगली लगाकर पी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब नदियों और सरोवरों का जल अशुद्ध हो रहा है, भूगर्भ जल कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि अभी भी हम गंभीर रूप से इसका चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, मनन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अब ऐसा करना बेहद जरूरी है और यही आग्रह हम हर किसी से लगातार कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आएंगे, कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। मैं इस वक्त राजकोट के लोदिका तहसील के जेताकुबा गांव में मौजूद हूं और यहां पर आने का विशेष प्रयोजन है। मैं पूरे इस इलाके को बहुत करीबी से बहुत बारीकी से देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ और जल संरक्षण को लेकर जो छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए हैं, किस तरह से बनाए गए हैं, उनसे क्या फ़ायदा मिल रहा है और कैसे बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आखिरकार ये चीज़ें कैसे संभव हुई या जहाँ पर जल संकट हुआ करता था वहाँ पर आजकल ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं जल बह रहा है। चेक डैम यहाँ पर बना हुआ है और चेक डैम के बाद में ये पानी फ्लो होके आगे जा रहा है
और बारिश के दिनों में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पानी और भी ज़्यादा मौजूद होता है। लगभग 4 या 5 गांव या आसपास के जो भी गांव हैं, ये संख्या लगभग 1000 या उससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कही जा सकती है, 1000 किसानों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिल रहा है। और ये कहानी सिर्फ एक चेक डैम की नहीं है, बल्कि छोटे छोटे चेक डैम बनाकर किस तरीके से यहाँ पर जल संकट को दूर करने की कोशिश की गई है और किस तरीके से PPP मॉडल कह सकते हैं, जिसमें कि लोग साथ में आते हैं, जिसमें कि समाज सेवी स्वयंसेवी संगठनों का सहायता मिलती है और उस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। कहीं कहीं चेक डैम तो बिल्कुल 100% समाज के सहयोग से बन रहा है, कहीं पर चेक डैम पुराने जो थे, जो सरकार ने कभी बनाए होंगे, जो टूट गए थे और एक कह सकते हैं कि एक उपेक्षा के में वो कहीं ना कहीं वो मृतप्राय हो चले थे, उनमें समाज के लोगों ने मिलकर पैसा लगाया और अच्छा चेक डैम बनाया, उनकी ऊंचाई बढ़ाई और आज सफलता की कहानी ये चेक डैम खुद बयां कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको इस कार्यक्रम में लगातार इस जल संरक्षण की कहानी दे बता रहे हैं, चेक डैम किस तरीके से बनाया गया ये बता रहे हैं और ये पूरी कहानी सौराष्ट्र में जल संकट का जो कायाकल्प करके अब एक तरीके से जल संरक्षण किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपने अभी अभी बात कर रही थी कि जल संरक्षण, आजकल हमने धन संरक्षण के बारे में सोचा है और धन संरक्षण के बारे में ही आगे बढ़े हैं, लेकिन जल संरक्षण की एक जीवता जागता उदाहरण यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, आपने बताया बराबर। ये पहले यहाँ छोटा सा एक खाबोचिया, जिन्हें हम गुजराती में हम लोग खाबोचिया बोलते हैं, वो छोटा सा एक गिर गंगा परिवार ट्रस्ट ने इसको देखा, हमने सब लोगों ने मिलके सोचा कि भाई जल है तो कल है, तो जल के बारे में कुछ क्यों सोचा ना जाए। तो हमने एक मीटिंग ली, सब ने जल के बारे में सोचा कि भाई यहाँ जितना भी पानी दोनों तरफ से आ रहा है तो उसको स्टोरेज करना है, किसी भी हाल में स्टोरेज करना है। पहले आई पैसे की बात, तो पैसे के लिए क्या करेंगे, सब लोगों ने मिल के बाट में अपनी जेब में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के एक काम शुरू किया। फिर कारवा आगे बढ़ता गया। जब ये सरोवर नहीं था तब यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, लेकिन अभी ये वीर वीरु सरोवर होने के बाद अभी कोई भी पानी की दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत थी, तो पहली दिक्कत ये थी कि यहाँ पे पूरा हाई TDS वाला पानी आ रहा था। इसके बाद यहाँ पे हम 19 से 20 लाख रुपए का पानी परचेस करते थे, तो गवर्नमेंट पे ये बोझा कम हो गया। दूसरी बात, जो पानी आ रहा है वो सॉल्ट फ्री आ रहा है, अच्छे TDS वाला, जो बेसिकली हमें चाहिए वो TDS वाला पानी आ रहा है, तो सब यहाँ के लोग बहुत खुश है। पहले यहाँ पर आने का कोई खास ओकेजन नहीं था, ये नॉर्मल ज़मीन ही थी, मगर यहाँ पर रहने वाले लोगों ने जब ये तालाब बनाने का सोचा और ये तालाब बना, तब यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी हो बहुत ही बढ़ गई। पानी की वजह से एक शांति जो है वो फील होती है, दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होती है, तो उस वजह से हम लोग पिछले 6-8 महीने से रोज़ सुबह यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आते हैं। देश जब अमृत काल में है और हमारे पंच प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हर शहर में, नगर में, गांव में अमृत सरोवर बनाए जाएं, अमृत सरोवर बना के उनकी महत्ता को समझा जाए और जल की जिस उपासना को हम सदियों से करते आ रहे हैं वो जल पूजनीय है, वंदनीय है, इस बात को बखूबी समझा जाए। हम रंगोली बाड में हैं और हमारे पीछे ये एक अमृत सरोवर आप देख रहे हैं, लगभग ये 15 बीघा जो जमीन है उसमें ये अमृत सरोवर बना हुआ है और इसकी जो क्षमता है लगभग 21.5 करोड़ लीटर जल इसमें इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और ये जल कौन सा है, वो जो मानसून जब बरसता है, बारिश जब होती है, तब यहाँ पर जल इकट्ठा होता है। और ये हम जरूर अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि एक बार वो कैमरा पैन करें और ये दिखाएं कि जो यहाँ पर स्थानीय लोगों की भूमिका है, जो गिरी गंगा जो संगठन, उसकी जो भूमिका यहाँ पर सामने आई है, वो इस बांध को उन्होंने बनाया, चेक डैम जिसको हम बोलते हैं, ये बोर्ड के सामने एक चेक डैम बना हुआ है, इसको इन्होंने बनाया है। पहले थोड़ी ऊंचाई थी, फिर थोड़ी ऊंचाई और बढ़ाई गई है
और इस तरीके से लगभग इसकी गहराई 22 से 23 फीट की गई है। इस मायने में ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो लोग आसपास के लोग हैं और ख़ास तौर से जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इस चेक डैम ने उनके लिए बड़ी मदद की है। एक तरफ से एक अच्छा व्यू मिलता है, दूसरी तरफ से जब गर्मी की लपट भरी लू चलती है तो उस टाइम पे जो जल से जो वायु छू के निकलती है शीतल हवा प्रदान करती है। यहाँ का जो भूगर्भ का जल है उसका स्तर ऊपर बढ़ा हुआ है और लोगों के घरों तक जो पानी पहुँच रहा है कहीं ना कहीं इसमें उसकी उसका बड़ा योगदान है। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि यहाँ के लोगों के हिसाब से तन मन धन से जल संरक्षण को लेकर लगे हुए हैं। जितनी जगह पे डैम बनाए हैं उसके आजू बाजू वाला खेडूत भी बहुत खुश हो गया है। ये रिजल्ट तुरंत मिलता है, एक ही बारिश होने के बाद जो पानी रुक जाता है उनका रिजल्ट हमने देखा है और एवरी डे एक दो छोटे छोटे गाँव वाले को मालूम पड़ गया कि पानी जो चेक डैम हम लोग बना रहे हैं तो डेली एक दो गांव का फोन आते हैं, बोलते हैं हमारे उधर भी चेक डैम बना लो। तो उनको मालूम पड़ गया है कि पानी बचाने और चेक डैम बनाने से खेडूत को फायदा होता है और नज़र देख के हम लोग को डेली एक दो फोन आता है और हमारा दिल्ली पे सखिया सुबह 5 बजे उठ के भी सीधा बोलते हैं हम कल आता है। और ऐसा है इसके लिए फंड का थोड़ा ज़रूरत रहता है, उनके लिए हम सब लोग को मिल के इसमें काम करना चाहिए। हमारे गिरगंगा परिवार ट्रस्ट के दिलीप भाई सखिया जो उसने अपना जीवन जल के मुद्दे पे पूरा आगे बढ़ाया है और सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक वो जल का ही सोचते हैं, तो उनका कांटेक्ट किया, फिर दिलीप भाई सखिया और दिनेश भाई पटेल का हमको सहकार मिला और हमारे जो वडील है जो 70 साल के आज इर्द गिर्द के एज के है उसने एक काम आगे बढ़ाया, फिर लोगों का कारवा उसके साथ जुड़ता गया। अब आप देख रहे हो कि जो 15 बीघा जमीन में सरोवर बना है वो अभी भी आगे भी एक्सटेंड होके वो 25 बीघा तक लेके जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। अब राजू भाई को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने की जरूरत इसलिए भी हुई कि आखिरकार इनके खेत को इस जल संरक्षण से बड़ा फायदा हुआ और सबसे बड़ी बात क्योंकि मैंने इनके खेत से ये गाजर ली, ये गन्ना लिया और इसके अलावा बहुत सारी सब्जी जो है थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको देखा और टेस्ट करने की कोशिश की। राजू भाई सबसे पहले तो हमने आपकी ये गन्ना लिया आपके यहाँ से, ये गाजर भी खाई, बहुत टेस्टी है, इतनी मिठास है, इतना रस है इस गन्ने में और गाजर भी बहुत अच्छी है। अमृत फल जिसको टमाटर हम बोलते हैं अपने दिल्ली में वो भी हमने लिया और एक बैगन भी देखा, धनिया भी देखी, सौंफ जो होती है वो भी मैंने देखा। इस खुशहाली की, इस हरियाली की वजह क्या, आपको क्या लगती है कैसे यहाँ पे इतना बढ़िया अभी हमें खेत में पानी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, उसकी वजह क्या समझ में आती है? यहाँ पे जो ये क्योजबेर वहाँ से आता है, हाँ। यहाँ पे पानी भर जाता है, हाँ। ये पहले नहीं रहता तो पानी के हमको बेनिफिट नहीं मिलता था। अभी यहाँ दिलीप भाई संघाणी, हाँ। उसके साथ हम मिलकर संघाणी का सखिया के साथ हम गाँव वाले और ये सब लोग मिलकर वो बेनिफिट हमें हुआ। जब पानी सब डल जाता, अब रुक जाता है, हाँ। तो अभी मेरे को 2 मोटर चलती है, हाँ। ये हमारे बेनिफिट हुआ। मतलब ये है कि राजू भाई ये बता रहे हैं कि इनके कुएं में कुएं से नीचे ऊपर पानी लाने के लिए इस समय ये 2-2 मोटर चला रहे हैं, फिर भी कुएं में पानी, जाहिर सी बात है जो मैंने आपको बताया कि इधर से जो भूगर्भ जल है वो नीचे गया पानी और उसके कुएं के पानी का स्तर बढ़ा और पानी भी बिल्कुल शुद्ध है। चूँकि जानते हैं ना कुदरत जो अपना काम करती है वो हम लोग काम नहीं कर सकते और कुदरत ने ये काम किया कि क्षार मुक्त TDS लेवल बहुत कम है, बहुत अच्छा पानी है और इसीलिए हरी भरी खेती और राजू भाई के चेहरे पर मुस्कान है। इदम् आपः प्रवाहता यत् किं च दुहितं मयि, यत् वा अहम् अभिदुद्रोह, यत् वा शेषे उत अन्नतम्। ऋग्वेद की ऋचा साफ तौर पर यह कहती है, जल की महिमा का बखान करती है कि यदि मैंने अज्ञानवश किसी के बारे में कोई गलत कार्य कर दिया हो, यदि मेरे मन में भूलवश किसी का बैर या कोई गलत भावना मेरे मन के अंदर आ गई हो,
मैंने किसी का अनिष्ट किया हो अज्ञानतापूर्ण, तो जलदेव से ये प्रार्थना है कि मेरे समस्त विकारों को वो अपने साथ बहाकर ले जाएं। ऋग्वेद की ऋचा अपने आप में ये एक तरफ जल का भौतिक वर्णन तो है ही है, जो कि हमारे शरीर की गंदगी को दूर करती है, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जल की महिमा का बखान यहाँ पर किया जाता है। और जल की ये महिमा खास तौर से आदि से लेकर अनंत काल तक गाई जाती रहेगी। भारत की संस्कृति के केंद्र बिंदु में अगर कुछ है तो वो जल है, और इसी जल के पवित्र स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण की बात आज हमने अपने इस खास कार्यक्रम में की, जिससे पूरा का पूरा कह सकते कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई पड़ता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।